मोमिनपुरा परिसर में फिर एक बार निजी विवाद के चलते तलवार और चाकू से एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास किए जाने का मामला उजागर हुआ है, जिसमें कुल 6 आरोपियों ने मिलकर महज 18 साल के फिरियादी मोहम्मद गाजी इफ्तिकार अहमद पर गुट बनाकर तलवार और चाकू से वार करने का प्रयास किया, जहां फिरियादी जैसे तैसे जान बचाकर अपने घर पर आया। उसके बाद भी आरोपी फिरियादी के घर के सामने आकर गाली गलौज करने लगे और तू बाहर मिल, तुझे जान से मार देंगे, ऐसी धमकी दी। फिलहाल मामले में 5 आरोपी पकड़े गए हैं, वही आगे की जांच जारी है। इस केस का जो फिरियादी है मोहम्मद गाजी इफ्तिकार अहमद, इसके साथ 6 आरोपी ने झगड़ा किया था। 12 फरवरी के दिन संदल निकली थी, उस संदल में नाश्ते टाइम फिरियादी जो मोहम्मद गाजी है उसे आरोपी मोहम्मद अकीब इसका धक्का लगा था, उस वजह से उनमें झगड़ा हुआ था। उस झगड़े को लेके इनमें ज़रा अनबन चल रही थी, तो कल फिरियादी ने आके यहाँ पे कंप्लेंट दी कि 6 तारीख को मोहम्मद अकीब और उसके अन्य 5 साथीदार, ऐसे 6 साथीदारों ने मिलके फिरियादी मोहम्मद गाजी पे जानलेवा हमला किया है, तो उसके ऊपर फिरियादी की FIR लेते हुए तहसील पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर की गई है। IPC धारा 307 और अनलॉफुल असेंबली के तहत इस पुलिस स्टेशन की DB पतक ने 6 में से 5 आरोपी अरेस्ट किए हैं, उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाने वाला है। 12 फरवरी के दिन जो संदल निकली थी उस संदल में नाश्ते वक्त धक्का लगने की वजह से उनमें झगड़े हुए थे और वही झगड़े से आगे उनमें अनबन चल रही थी, उसकी वजह से ये क्राइम हुआ है। और उसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से 4 आरोपियों का प्रीवियस क्राइम रिकॉर्ड है, तो उनको अरेस्ट करके तुरंत आगे की कार्रवाई शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र, TV24, नागपुर।